हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कवर न्यू टॉपिक दैट इज ओजेनेसिस। देखो ओजेनेसिस क्या होती है, ओजेनेसिस में होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओम की जो फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? ओजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे ओजेनेसिस देखो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनता है उगोनिया। उगोनिया सिंगुलर फॉर्म को बोलते हैं उगोनियम। क्या बोलते हैं? उगोनियम कहते हैं। और उगोनियम होता है, वो होता है डिप्लोइड। यहाँ पे मेन इट हैज 46 क्रोमोसोम। जो ये उगोनिया होगा ये माइटोसिस करेगा और माइटोसिस से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू टू सेल। ये दो सेल में डिफरेंशिएट होगा, सेम है दो से आगे बनेगी फोर सेल रिपीट होंगे यहां पे। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, अगेन माइटोसिस यहां पे और वन सेल डिवाइड टू सेल, राइट। और ये तो स्टेप होती है, ये स्टेप आपको दिखाई देती है इन द फिटल लाइफ। इससे बिल्कुल अलग होती है स्टेप, क्योंकि यहां पे ये जो स्टेज कहां होती है, ये होती है फिटल लाइफ में, जो बेबी का बर्थ होता है उस टाइम आपको दर्द दिखाई देती है। और यहां पे नियरली एक फीमेल के अंदर नियरली 5 to 7 lakh उगोनिया बनते हैं, उगोनिया फॉर्मेशन होती है। फिर यहां पे क्या होता है, ये जो स्टेप होती है इनमें से कोई एक यहां पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। मान लीजिए ये यहां पे डिफरेंशिएशन हुआ, यहां पे डिफरेंशिएशन, और यहां पे इसकी जो डिफरेंशिएशन हो रही है इसकी डिफरेंशिएशन से यहां पे यहां पे डिफरेंशिएशन ने नॉट डिवाइड नहीं की, डिफरेंशिएशन हुई इसमें सेल पे थोड़ा साइज में बढ़ेगा। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बड़ी सेल बनेगी। दिस सेल इज नोन एज प्राइमरी ओसाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं। ये प्राइमरी ओसाइट होती है और प्राइमरी ओसाइट होती है वो क्या होती है, वो होती है डिप्लोइड। वो रहेगी कैसे, रहेगी वो डिप्लोइड रहती है। और ये जो प्राइमरी ओसाइट होती है, ये प्राइमरी ओसाइट आके फर्दर, ये प्राइमरी ओसाइट जो स्टेज होती है ये कहां होती है, ये होगी बर्थ के टाइम पे। कहां होती है? बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ में होती है यहां पे। अब उसके बाद क्या होता है, यहां पे जो ये बर्थ के बाद यहां पे क्या करेगी, ये बर्थ के बाद आगे फर्दर डिवाइड करेगी यहां पे, और यहां पे ये करती है मियोसिस टू, मियोसिस वन करेगी सॉरी फर्स्ट। और जो मियोसिस फर्स्ट होती है ये यहां पे प्रोसेस स्टार्ट करती है, यानी प्राइमरी साइड की जो स्टेज होती है प्यूबर्टी। कहां होती है? प्यूबर्टी स्टेज पे होता है। और प्यूबर्टी स्टेज के बाद क्या करेगा ये म्यूसिस फर्स्ट हो रही है यहां पर। हाँ, प्यूबर्टी स्टेज के अंदर यहां पे क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो म्यूसिस फर्स्ट करेगा। और म्यूसिस फर्स्ट के बाद यहां पे क्या होगा, इसमें बनेगी टू सेल, यहां पे टू सेल बनती है। और ये जो टू सेल यहां पे बन रही है, एक सेल इसमें थोड़ी स्मॉल बनेगी, एक सेल थोड़ी लार्ज बनती है। और ये कहां होती है, ये आफ्टर प्यूबर्टी होगा, सॉरी ये प्यूबर्टी के अंदर हुआ, इसके बाद जो आगे तो बनेगा आपको प्यूबर्टी के बाद ही मिलेगा आपको सारा कंडीशंस। अब ये जो स्टेज आपको मिली यहां पे, ये स्टेज, इस स्टेज को बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट होती है, ये सेकेंडरी ओसाइट होती है बिकॉज म्यूसिस फर्स्ट इज द रिडक्शन डिवीजन। म्यूसिस फर्स्ट क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है।
और उसके बाद यहां पे क्या होता है इस स्टेज पे, ये तो स्टेज हो रही है, अब उसके बाद ये आगे डिवाइड होती है, मियोसिस टू करती है। अब जब मियोसिस टू करेगी तो इससे बनेगा यहां पे इट फॉर्म वन स्मॉल सेल प्लस वन लार्ज सेल दैट इज नोन एज एग सेल, और ये क्या होती है हेटरोट्रॉफी। अब देखिए यहां पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो गया, यहां पे फीमेल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट जो निकलती है, प्राइमरी ओसाइट जस्ट बर्थ के बाद यहां पे डिफरेंशिएशन से निकलती है, और यहां पे नियरली बर्थ के बाद जस्ट यहां पे प्राइमरी जो ओसाइट बनते हैं, ओसाइट नियरली इनके जो नंबर होते हैं वो होते हैं 40,000 to 60,000 इन ईच ओवरी, यानी हर एक ओवरी में इसके नंबर कितने होते हैं, हर एक ओवरी में ओसाइट के जो नंबर होते हैं फ्रॉम 40,000 to 60,000 इन ईच ओवरी आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये जो कंप्लीट स्टेप हो रही है, जो कंप्लीट जो स्टेप चल रही है, ये प्यूबर्टी के अंदर होती है, कहां होती है प्यूबर्टी के अंदर हो रही है, जस्ट प्यूबर्टी से पहले में बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में हो रही है कंप्लीट स्टेप, राइट। तो यहां पर 5 to 7 lakh नंबर तक वो बर्थ तक आते आते डिजिनेट जाएंगे और नंबर जस्ट बचेंगे फ्रॉम 40 to 60,000 प्राइमरी ओसाइट बचेंगे। अब इनमें से क्या होता है, ये जो ओसाइट्स होते हैं, ये फर्स्ट ओसाइट जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी मीन जैसे मान लीजिए फीमेल के अंदर 11 to 12 एज के अंदर मान लीजिए फर्स्ट एग रिलीज करना फीमेल स्टार्ट करती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है मेनरिक साइकिल, तो वहां पर फर्स्ट साइकिल में फर्स्ट प्राइमरी ओसाइट निकलेगा। तो ये बर्थ के टाइम पे बना था प्राइमरी ओसाइट, और कहां निकला 11 to 12 एज के अंदर निकला, और मान लीजिए उस बहुत सारे ओसाइट है यहां पे फ्रॉम 40 to 60,000 है, और यहां पे ये और ज्यादा ओल्डर होते रहेंगे, जितनी एज में निकलता रहेगा उतने ही ज्यादा ओल्डर ही होते रहेंगे, क्योंकि ये सारे बनते हैं बर्थ के टाइम पे और निकलते हैं लेटेस्ट एज में। मान लीजिए फीमेल 30 एज में उसके अंदर एक एग निकला, तो 30 एज में निकला उसके अंदर, तो 30 एज में निकला तो वो कितना ओल्ड है, 30 ईयर ओल्ड, क्योंकि बर्थ के टाइम पे उसके अंदर वो ओसाइट बना था प्राइमरी ओसाइट, और कहां निकला है 30 एज में, तो इसमें उसके अंदर 30 ईयर आगे बीच में गैप। अब ऐसे मान लीजिए कि फीमेल 15 ईयर के बाद निकला तो कितना होगा, तो 15 ईयर गैप आ जाएगा, क्योंकि बर्थ के टाइम पे ये निकलते हैं और उसके बाद इनमें से कैप्सूल में से क्या निकलते हैं, निकलते रहते हैं प्राइमरी ओसाइट्स आफ्टर एज, जितना ओल्डर होता रहेगा ये उतने ही प्रेगनेंसी चांस होते हैं यहां पर रिड्यूस होते रहेंगे, जितने यंगर होगा उतने ही चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के ज्यादा होंगे, इसलिए 30 के बाद होते हैं फर्टिलाइजेशन के जो चांस होते हैं प्रेगनेंसी जो कंसीविंग चांस होते हैं रिड्यूस होते हैं, इसका रीजन होता है क्योंकि प्राइमरी ओसाइट होते ज्यादा ओल्डर हो जाता है। अब यहां पे ये जो स्टेज होती है प्राइमरी ओसाइट, ये प्यूबर्टी के अंदर जब तक नहीं निकलेगा, क्योंकि ये प्राइमरी ओसाइट ये जो स्टेज होती है इस स्टेज पे रुका रहता है, प्यूबर्टी तो स्टार्ट यहां पे होगी, इस स्टेज पे रुका रहेगा यहां पे, ये जो स्टेज होती है ये कंप्लीट प्राइमरी ओसाइट तो होता है लेकिन आगे सेकेंडरी ओसाइट नहीं बनाएगा प्यूबर्टी तक, क्योंकि यहां पर स्टॉप रहेगा, ये तो स्टॉप होता है, तो यहां पे एक स्टेज होगी इसका नाम था प्रोफेज वन, फर्स्ट की एक स्टेज होगी इसका नाम था प्रोफेज वन, प्रोफेज वन होती है उसके ऊपर ये अरेस्टेड हो जाता है, ये इसके ऊपर ये रुक जाता है यहां पे स्टेज पे आके, और ये कंप्लीटली सेकेंडरी ओसाइट नहीं बनाएगा, जैसे ही फीमेल के अंदर ये बाहर निकलेगा, यानी फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करने का, सॉरी ओजेनेसिस में टेक पार्ट करने का, तो इसको यानी ओवरी के अंदर डेवलपमेंट का चांस मिलेगा इसको, तो डेवलपमेंट का जैसे चांस मिलेगा तो ये क्या करता है, प्रोफेज फर्स्ट को अरेस्टेड था ये, उसको तोड़ देता है और यहां पे मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर क्या करता है, इसको डिवाइड कर देगा आगे, और यहां पे क्या होता है ये सेकेंडरी ओसाइट जो स्टेज से पहुंच जाता है, लेकिन फिर यहां पे इसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट के अंदर भी मेटाफेज जो होती है मेटाफेज टू के ऊपर अरेस्टेड हो जाता है, जो मेटाफेज होती है मेटाफेज टू पे फिर अरेस्टेड हो जाता है ये, इट्स बीन ये मेटाफेज टू पे इसलिए अरेस्टेड हो जाता है क्योंकि इसके पास
आगे एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर नहीं है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो स्पर्म्स आएंगे, स्पर्म्स यहां पे क्या करेंगे, इसको सेंट्रली प्रोवाइड करेंगे और सेंट्रली जो होती है उसके अंदर स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, तब इसको मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो होते हैं प्रोवाइड होगा और एनाफेज के लिए सेल जो होती है आगे जाएगी। तो ये स्टेज यहां पे मेटाफेज टू के अंदर भी अरेस्टेड रहती है, लेकिन तब तक अरेस्टेड रहेगी जब तक इसको स्पर्म नहीं मिलता। तो स्पर्म जब तक इसकी वॉल को तोड़ेगा, पेनिट्रेट करेगा इसकी वॉल में और सेंट्रली प्रोवाइड करेगा, तभी ये एग में कन्वर्ट होती है। तो इसी वजह से जो फिम्बरी पार्ट होती है, फिम्बरी पार्ट होती है वो सेकेंडरी ओसाइट को इंटेक करती है, ना कि एग को। एग जो बनता है वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है स्पर्म आने के बाद, राइट। तो ये जो स्टेज होती है दैट इज नोन एज ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, ओजेनेसिस बोलते हैं, राइट।